हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है पायनियर सर। सुबह सुबह तैयार होके आई हूँ आज ब्लड वर्क करवाने के लिए। तो आज मेरा है ब्लड वर्क लैब कोट में। तो गाइस अभी हो गया है मेरा ब्लड वर्क का काम और आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अहोई अष्टमी है और उसका फास्ट है डेफिनेटली। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुबह सुबह मैं जा रही थी ब्लड वर्क करवाने के लिए। तो ब्लड वर्क हो चुका है मेरा और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। डैडी बच्चे दोनों सब तीनों उड़ गए होंगे और मुझे अब जाके सबको तैयार करना है, चाय बनानी है, नाश्ता बनाना है और काफी सारे शॉपिंग हॉल्स हैं जो दिवाली से रिलेटेड मैंने क्या क्या खरीदा है वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। सो आज थोड़ा सा वीडियो रूटीन से हटके रहेगा। बेसिकली मैं आप लोगों को अपना शॉपिंग हॉल दिखाना चाहती हूँ और काफी सारी चीजें पेंडिंग हो गई थी। काफी सारी चीजें पहले मंगा ली थी लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी, इसलिए अब जाके डिलीवर हुई है। और इंडियन स्टोर का भी कुछ सामान है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको बता दूं बाहर का मौसम हो रहा है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत हल्की हल्की सी ठंडक हो रही है। जब मैं सुबह निकली थी तब तो बिल्कुल सीला सीला सा और काफी ठंडा ठंडा सा माहौल हो रखा था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अभी रात के टाइम पे। आधी रात को थोड़ा सा एक दो घंटे के लिए हल्की सी बारिश होती है। सो चलिए मैं अब घर निकलती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे घर पहुंचना है टाइम से। प्रिशा की चोटी बनानी है, नाश्ता तैयार करना है और खैर मैं तो नहीं करूंगी, मेरा तो फास्ट है अहोई अष्टमी का। और अहोई माता सबके ऊपर कृपा करे, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। सो ऑलराइटी, तो आज मैं बना रही हूँ अपना नया वाला डोर रेथ भी कहते हैं, डोर रीथ भी कहते हैं, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट। सो मेरे पास ये वाला है, ये बैम्बू का है, तो इसके ऊपर मैंने ये लास्ट ईयर बनाया था। और मैं साथ में ये वाला व्हील भी लेकर आई हूँ, मुझे ये व्हील बहुत पसंद है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप लोगों को ये अपडेशन मिल जाएगा। और मैं साथ में कुछ सामान भी लेकर आई हूँ यहाँ पे डॉलर ट्री का, सो कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड। सो जब इसे पूरा बनाऊंगी तो आप लोगों को बताती हूँ कि फाइनल लुक कैसा दिख रहा है। देयर वी गो, सो फेस्टिव एंड लिटिल बिट फॉल लुक देगा ये, काफी अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हो रहे दोपहर का टाइम, बच्चे आ गए हैं स्कूल से और बच्चे इतने हाईली एक्साइटेड हैं कि आज उनकी मनपसंद चीज हुई है और उसका आदि का बहुत फेवरेट चीज आ गई है, घर पर डिलीवर हुई है और प्रिशा की बटरफ्लाइज की क्या अपडेट है वो भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ लाइव। शो योर ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज प्रिशा। मी मम्मी दिस वन फॉल डाउन। व्हिच वन? दैट वन। वांट टू ट्राई टू हेल्प? नो, इट विल फ्लाई। इट्स नॉट मूविंग। इट विल फ्लाई। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे प्रिशा की 6 की 6 बटरफ्लाइज आ गई हैं। ये देखिए प्रिशा की 1, 2, 3, 4 और ये सारे कुकून्स हैं और ये दो ऊपर बैठी हुई हैं। सो दीज आर 6 बटरफ्लाइज, दे ऑल केम आउट, राइट प्रिशा? 5, 6 Yes, 5, 6 Prisha is highly excited, right Prisha? I need to tell you something. If you don't know, one of them was down, it was like this because it got hurt. And when mommy was trying to get it up, it was shaking like... Oh yes, right. So, these are our beautiful butterflies. Everyone, take a look. And then 3, 2, 1 Yeah, first you have to comment what instrument am I gonna play. Alrighty guys, हम लोग जा रहे हैं आदि का instrument देखने के लिए। आदि sit down over the ear and show your beautiful instrument. And 3, 2, 1 go! Ta-da! Yes, that's Adi's new instrument. And take a look. Which we ordered that one. Sure. Oh, so beautiful. What is it? It's a kind of a xylophone, right, Adi? No. It's like It's a percussion, right? No, but they have like extra notes on. Yeah, this one is a percussion drum, and they have extra drums in there. And you wow. Wait, where's the sticks? You know sticks? Really? Oh, what is this? और ये पूरा का पूरा kit आया है. Adi is super duper excited, right Adi? This is the drum! Oh, this is ready? The drum! Look, ready? Wow! ये 4th grade से start हो जाता है, जो instrument selection का time होता है ना, वो 4th grade से start होता है. So, Adi got his, right Adi? And this is the stamp part of the drum. Oh, wow! Look, this is a little socks. Wow! And this is the same thing. It's like you like put under there and you have to spin it. And wait, where's the sticks? You happy, Adi? Yeah, I'm really ready. Hi, Prisha, are you happy? Look at this, my new move. Oh yeah, like a dance. But you're not allowed to use your hands. But you need a sticks. So I have to go to band lessons to put my sticks. This will be for this one, and then this one will be for this one. Alrighty, Adi, do like this. Show your beautiful face and thumbs up. Prisha, show your beautiful face and thumbs up. Alrighty guys, तो अभी मैं चढ़ी हूँ ऊपर और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इस बार दिवाली पे कुछ घर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड डेकोर से रिलेटेड मैंने क्या क्या लिया है. ज्यादा तो मैं कुछ करूंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे यू नो व्हाट, फॉरेन कंट्रीज में घरों की जो बनावट होती है वो अलग होती है, यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं और मैं ज्यादा आग या फायर से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करूंगी. मैं कोशिश करूंगी लिमिटेड ही रखने की. सो और सेफ्टी होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए, इको फ्रेंडली वगैरह, और यू नो थोड़ा सा घर की सेफ्टी फ्रेंडली भी होना चाहिए. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे और थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने क्या मंगाया है, या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने मंगाया है ये लेजी सुजन्स की 2 ट्रेज मंगाई हैं मैंने. 2 पहले से मेरे पास थी और 2 और मैंने मंगाई हैं. तो और 2 और अलग से पड़ी हुई हैं, मतलब मेरे पास टोटल मिला के पूरा 6 to 8 ये वाला लेजी सुजन्स हैं जो मैं हमेशा अक्सर अपने यू नो कैबिनेट्स में
ऊपर बाथरूम में, तो मुझे कहीं पे भी जरूरत होती है इसके अंदर मैं परफ्यूम्स रख लेती हूँ, या मेरा कुछ यू नो ये कॉस्मेटिक जो भी है मैं डेली यूज के क्रीम्स वगैरह, मेरे खुद के और बच्चों के लोशन क्रीम्स वगैरह सब एक साथ रख देती हूँ एक जगह पे, और जब जरूरत होती है इसको घुमाती रहती हूँ। तो ये काफी अच्छा है लेजी सुजन का, तो ये दो मैंने मंगाया था। और मैंने साथ में ये वाला पिज्जा का ग्रिल स्टोन ऑर्डर करा है, क्योंकि मैं मोस्टली घर में ही पिज्जा बनाती हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसकी 5-स्टार रेटिंग थी, और हमारे मतलब मेरे हस्बैंड के बहुत सारे पेशेंट्स लोगों ने भी हम लोगों को सजेस्ट करा था, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप लोग भी ऑर्डर कर सके डायरेक्टली उसी लिंक पे क्लिक करके। ये बहुत अच्छा है, अंदर से भी ये पूरा का पूरा स्टोन का है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये पूरा का पूरा, आवाज आ रही होगी आपको, ये पूरा स्टोन का बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और जो पिज्जा के ऊपर फ्लेवर आता है ना इससे, वो बहुत अच्छा आता है, एकदम ऑथेंटिक लगता है, बिल्कुल फायर यू नो व्हाट वुड फायर पिज्जा के जैसा फील आता है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, जो एक पत्थर या क्ले की कोई चीज होती है उसके ऊपर जिस तरीके से आता है। ये देखिए बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छा है ये, तो इसे मैं यूज करूंगी। और मैं आपको बता दूं कि अब दिवाली के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी है, कुछ हम लोग थैंक्सगिविंग पे भी लेने वाले हैं, तो जैसे जैसे उस चीजों की डिलीवर होती जाएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती जाऊंगी। सो जैसे कि नेक्स्ट स्टेप आती है, ये वाला जो दिए का सेट है ये मैं लेकर आई हूँ इंडियन स्टोर से। तो बेसिकली तो ये इंडियन स्टोर से लेकर आई हूँ क्योंकि दिए मुझे बहुत पसंद है, और यू नो मैं ज्यादा तो दिए लगाऊंगी नहीं, तो जितने भी दिए पिछले साल के भी मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, कुछ 20 दिए पड़े हुए हैं, पर मैं लगाती बहुत कम हूँ। सो बेसिकली तो ये दो दिए लेकर आई हूँ जो चार दिशा के हिसाब से होते हैं, तो ये पैक मुझे मिल गया था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये प्योर क्ले प्योर मिट्टी का है, ये इको फ्रेंडली है। और दूसरा मैं लेकर आई हूँ ये वाला, बेसिकली ये वाले दिए ये टेराकोटा के हैं, बहुत अच्छे दिए हैं, डिजाइनर। मैं हर बार ही कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ पिछले 2-3 साल से, मतलब जब मुझे लगाना शुरू करा, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो मैं लगाती नहीं थी, और अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो मैंने धीरे धीरे करके लगाना शुरू करा है। पर ये टेराकोटा के हैं, प्योर मिट्टी के मुझे नहीं मिले, तो ये टेराकोटा के हैं, और 6 का सेट है, पहले के 20 पड़े हुए हैं और हो गए हैं, और ये बड़े वाले दिए भी मैं अभी ले आई हूँ, और ये दो दिए मैंने खरीदे हैं। सो बेसिकली ये जो है ना, ये ऐसे हाथी बने हुए हैं, 3 हाथी बने हुए हैं, और बीच में आप चाहो तो एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, नीचे कैंडल लगा सकते हो, या ऊपर कैंडल टी लाइट कैंडल लगा सकते हो, और इसे यू नो थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हो कोई भी किसी भी तरीके का। तो ये दो लेकर आई हूँ, दोनों भगवान के आसपास रखने के लिए। और भी मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी है, पर वो सब धीरे धीरे चलना शुरू हुए हैं इसीलिए। और साथ में मैं ये भी नहीं, साथ में भगवान की खुशबू वगैरह के लिए तो मैं ये लेकर आई हूँ, ये वाला चामुंडेश्वरी सम्राणी स्टिक लेकर आई हूँ, धूप स्टिक है ये, बहुत अच्छी वाली है, मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, घर में पॉजिटिविटी देती है। ये है मेरे पास, दूसरी धूप बत्तियां भी है, इंडिया की धूप बत्तियां है, काफी सारी है, पर मुझे कुछ ना कुछ नया अच्छा लगता है, तो मैं लिमिटेड वाली चीजों में ये लेकर आई हूँ, इस बार एक लेकर आई हूँ। और साथ में मैं ये सम्राणी कप्स आते हैं गूगल धूप की, तो ये तो खैर मेरे को इंडिया स्टोर पे ही मिला था, जो फिली अभी गए थे मम्मी को छोड़ने के लिए, तब उस दिन थोड़ा टाइम था तो मैं इंडियन स्टोर चली गई थी, क्योंकि हर स्टेट के इंडियन स्टोर में ना डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी आती है, बोलते हैं कि एक जैसी है लेकिन नहीं, हर बार अलग अलग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, वहां कैसी पॉपुलेशन है और रोटेशन कैसा चलता है, तो उस हिसाब से। तो वहां पे मुझे ये नई वेरायटी मिल गई, यहाँ पे तो नहीं मिली मुझे, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं लेकर आई हूँ। और बाकी मैंने जो भी ऑर्डर करा है कैंडल वगैरह, तो कैंडल मैं लेकर ही आ जाती हूँ, तो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। और ड्रेस और इंडियन ड्रेसेस वगैरह जो भी है वो तो सरप्राइज रहेगा, वो जब दिवाली के दिन मैं पहनूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और हाँ, अभी आने वाले दिनों में जब ये त्योहार चल रहा है तो मैं रोज का डेली ब्लॉग्स ही डालूंगी, भले से छोटे छोटे, आप लोग भी जरूर देखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने त्योहार पे आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। आप लोग भी आइए हम लोगों के साथ, देखिए हम लोगों को, और साथ में दिवाली और सब फेस्टिविटीज सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह शाम कुछ ना कुछ चहल पहल चलेगी और आप लोगों से बात होती रहेगी। और राइटी, मैं इन सब चीजों को रखती हूँ वापस से।
cocoon anymore, right? Mm-hmm. Wait, are you gonna draw all the Adi, look. Prisha, look. Yeah, look how cute the look. Yum, yum, yum. Oh. They're gonna eat it, right, Prisha? Yeah, yum, yum, one yum. Is eating right there. Do you think it's a sucking thing? That's gross. Can I touch it? Yeah, you can touch it. It's like a shell. Remember, like, what was that?